कहानी सामाजिक रिश्तों की खट्टी मीठी नोकझोंक दर्शाती है। एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में पिछले कुछ दिनों से खुशियों का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि इस घर के इकलौते लड़के का विवाह तय हो चुका था। लड़के का नाम विनोद है और वह सरकारी नौकर बन चुका था। समाज में सरकारी नौकरियों की एक अलग ही शान होती है। लड़के से जुड़े हर रिश्तेदार को उसकी सफलता पर गर्व था और सभी उसकी शादी को लेकर उत्साहित थे। लड़के के विवाह से संबंधित सभी रस्में एक एक करके मनाई जा रही थी और इसी बीच दूर दूर से नजदीकी रिश्तेदारों को आमंत्रण भेजा जाता है और यहाँ दूसरी ओर दुल्हन के परिवार में भी विवाह की तैयारियाँ धूमधाम से की जा रही होती है। दुल्हन के मामा जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और उनके स्वभाव में उनका अखरापन साफ दिखाई देता था। वह अक्सर अपनी बातों से लोगों को नीचा दिखा दिया करते थे, जिस वजह से कई लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। दुल्हन के परिवार की तरफ से सभी रिश्तेदारों को बुलावा भेजा जाता है और मामा जी को विवाह से 2 दिन पूर्व ही आने को कहा जाता है, ताकि शादी की सभी तैयारियां समय से करवाई जा सके। सभी यह बात जानते थे कि मामा जी समय की पाबंद है, लेकिन सख्त स्वभाव होने की वजह से वह हर एक व्यक्ति से कठोर व्यवहार करते थे और यही सबसे बड़ी चिंता थी, कहीं मामा जी के बर्ताव से कोई नाराज ना हो जाए। और कुछ इसी तरीके के स्वभाव का दूल्हे का फूफा भी होता है। शादी का कार्ड मिलते ही दूल्हे का फूफा अपनी पत्नी के साथ शादी के कपड़े खरीदने जाता है और एक एक करके कई दुकानों को देखने के बाद भी बिना कपड़े खरीदे बाजार से वापस आ जाता है और तय करता है कि अगले दिन बड़े शहर जाकर वो अपने और अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदेगा। और वह दूसरे शहर जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आता और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम कल कोई और शहर चलेंगे, वहाँ जरूर हमारे मन के कपड़े मिल जाएंगे। उसके इस बर्ताव से उसकी पत्नी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी शादी है क्या, जो इतनी छानबीन करके कपड़े ले रही हो और चुपचाप यहीं से कपड़े लेकर चलो, नहीं तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। और मजबूरी वश उसे वहीं से कपड़े लेने पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी ओर दुल्हन के मामा शादी के एक हफ्ते पहले ही लड़की वालों के यहाँ आ जाते हैं और शादी की तैयारियों का जायजा लेने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि अभी तक शादी में खाना बनाने के लिए हलवाई नहीं मिला है और यह बात सुनते ही मामा जी को गुस्सा आ जाता है और वह दुल्हन के पिताजी को खरी खोटी सुना देते हैं और कहते हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं हलवाई अपने साथ ही ले आता। लड़की के पिता जवाब देते हुए कहते हैं, इस शहर में बहुत सी शादियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से केवल साज सजावट और बैंड बाजा ही बुक हो पाए हैं। मामा जी के अंदर चुनौतियों का सामना करने वाला जज्बा होता है, इसलिए वह लड़की के पिता से कहते हैं, आप चिंता ना करो, मैं सारा खाना बनवा दूंगा। मैं आर्मी में 3 साल खाने के मैस का इंचार्ज रहा हूं और मुझे कई लोगों का खाना एक साथ बनवाने का अनुभव है। लड़की के पिता मामा जी की बात सुनकर निश्चिंत हो जाते हैं। यह लड़के का फूफा अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह से कपड़े तो ले लेता है, लेकिन वो मन में तय करता है कि जूते लेने तो मैं अपनी मर्जी से दूसरे शहर ही जाऊंगा। और वो अपनी पत्नी को बिना बताए अगले दिन दूसरे शहर निकल जाता है और कुछ दुकानें घूमने के बाद उसे उसके मन के जूते नजर आ जाते हैं और वो बहुत ही शानदार जूते खरीद कर ले आता है। और अब विवाह का समय भी आ जाता है। अगले ही दिन लड़के के घर से बारात निकलने वाली होती है, लेकिन लड़के के फूफा की ट्रेन लेट हो जाती है और वो समय से नहीं पहुँच पाते। मजबूरी में लड़के वालों को बारात निकालनी ही पड़ती है और जैसे ही लड़के का फूफा पहुंचता है, बारात निकल चुकी होती है। दरअसल यात्रा के दौरान इनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता, इसलिए वह अपने विलंब की सूचना नहीं दे पाए थे, लेकिन बारात उन्हें लिए बिना ही चली गई थी और इस बात से वह बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन विवाह में उनका होना अनिवार्य है, क्योंकि कई रस्में उनके साथ जुड़ी हुई थी। सभी के मनाने पर फूफा बारात जाने को तैयार हो जाते हैं। लड़की वालों का घर यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था, वो बस स्टैंड पहुँच जाते हैं और बस में बैठकर निकल जाते हैं। लड़की वालों के यहाँ काफी समय से बारात का इंतजार हो रहा होता है और कुछ ही समय में बैंड बाजे की जोरदार आवाज के साथ बारात लड़की के मोहल्ले में प्रवेश करती है। लड़की वालों की तरफ से बारात का स्वागत धूमधाम से किया जाता है, लेकिन देरी के चलते कुछ रस्मों को कम समय में ही खत्म किया जाता है और बारात को खाने के लिए बुलाया जाता है। बारात में काफी लोग होते हैं और लड़की की तरफ से भी कई लोग विवाह में शामिल होने आए होते हैं।
लड़की के मामा खाने की तैयारी में जुटे होते हैं और जैसे ही खाना प्रारंभ होता है कुछ ही समय में खाने में कमी आ जाती है और कई लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। खाने में कमी से लड़की के पिता को चिंता हो जाती है और वो मामा जी के पास जाकर कहते हैं, थोड़ा जल्दी करवाए, बाराती लाइन लगाए खड़े हैं। तभी मामा जी अपना रौब दिखाते हुए कहते हैं, मैं हलवाई नहीं हूँ, उन्हें कहो थोड़ा इंतजार करें। और यहाँ बारातियों में खाने के लिए भगदड़ मची होती है। और इसी बीच दूल्हे का फूफा थकाहारा पहुँच जाता है, लेकिन सभी खाने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और वह मुंह फुलाकर किनारे की कुर्सी में बैठ जाते हैं। तभी वहीं से लड़की के पिताजी गुजरते हैं और वो उनसे पूछ बैठते हैं, आप किसकी तरफ से आए हैं? लेकिन लड़के के फूफा क्रोध से भरे होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं आसमान से आया हूँ। वहाँ खड़े कुछ बाराती ये बात सुनते हैं और उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं। अरे फूफा जी, आइए आइए, नाराज मत होइए, चलिए भोजन ग्रहण करिए। बड़ी मुश्किल से फूफा जी शांत होते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पूरियां लेने पहुंचते हैं तो वहां केवल एक ही पूरी होती है और उसे भी एक बच्चा उठा लेता है। फूफा जी बहुत भूखे होते हैं, इसलिए उन्हें और गुस्सा आ रहा होता है। और जैसे ही पूरियां दोबारा रखवाई जाती है वो एक साथ 8-10 ले लेते हैं ताकि उन्हें बार बार इंतजार ना करना पड़े। और इसी बीच लड़की के मामा बाहर आते हैं और फूफा जी की थाली में आवश्यकता से अधिक पूरियां देखकर नाराज हो जाते हैं और उन्हें कह देते हैं, इतने बाराती खड़े हैं और आप एक साथ इतनी सारी पूरियां लेकर बैठ गए, और आती जाएंगी तो लेते जाएगा। फूफा जी वैसे ही गुस्से से भरे बैठे थे और यह बात सुनते ही वो अपनी थाली पटक देते हैं और उनका ऐसा बर्ताव देखकर वहां सभी उन्हें देखने लग जाते हैं। घरती और बाराती दोनों पक्षों के लोग फूफा और मामा को समझाते हैं और दोनों बड़ी मुश्किल से दोनों शांत होते हैं। और यहाँ दूल्हा दुल्हन की रस्में चल रही होती है और उसी बीच फूफा जी आकर बैठ जाते हैं और रस्में देखते देखते उनकी आंख लग जाती है और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती है। और जैसे ही फूफा जी की नज़र अपने जूतों पर पड़ती है तो वह जूते गायब होते हैं। और कुछ समय ढूंढने के बाद पता चलता है कि दूल्हे की सालियों ने गलती से फूफा जी के जूते ही चुरा लिए हैं। दरअसल जूता चुराना एक रस्म है और जब तक दूल्हे की सालियों को कोई ना कोई उपहार ना मिल जाए तब तक वो जूते वापस नहीं करेगी। और अब विदाई का समय हो जाता है। फूफा जी बिना जूतों के इंतजार में है बैठे होते हैं। दूल्हा विदाई के समय जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो सालियों की नज़र दूल्हे के जूतों पर पड़ती है और उन्हें ताज्जुब होता है। दूल्हे राजा के जूते तो हमने चुरा लिए थे, फिर उन्होंने किसके जूते पहने हुए हैं? और थोड़ी ही देर में सालियों को पता चल जाता है कि ये तो फूफा जी के जूते हैं। और सालियां जैसे ही दूल्हे से उपहार मांगने जाती हैं तो वो उन्हें छेड़ते हुए कहता है, तुम लोगों ने जिसके जूते चुराए हैं उपहार भी वही देगा। और सालियां फूफा जी से उपहार की जिद करने लगती है। रात भर से फूफा जी वैसे ही नाराज होते हैं और उपहार देने की बात सुनकर बिना जूतों के ही पैदल चलने लगते हैं। और उन्हें पैदल जाता देख दूल्हा दुल्हन के परिवार के लोग उनके पीछे उन्हें समझाने के लिए भागने लगते हैं। फूफा जी आगे आगे और बाराती पीछे पीछे, पूरा मोहल्ला इस दृश्य को देखकर हंसने के लिए मजबूर हो गया था। तभी लड़की के पिता ने फूफा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप तो बड़े हैं, समझदार है, नादानी में हमसे कुछ भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और ये लीजिए अपने जूते। और फूफा जी जल्दी से अपने जूते लेकर पहन लेते हैं। लड़की के पिताजी फूफा जी को दूल्हे की कार में बैठने का प्रस्ताव रखते हैं और उनकी यह बात सुनते ही वो लपक कर कार के अंदर घुसकर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ बारात दुल्हन को लेकर रवाना हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट कर जरूर बताए। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।